हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक क्रोचेट का पर्स बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी पैटर्न है, आप जितना बड़ा बनाना चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, मैंने लिया है क्रोशिया 3.50 mm का और यार्न ली है 4-ply। तो देखिए, मैं तो यार्न से बना रही हूँ, लेकिन अगर आप अपने लिए पर्स बना रहे हैं तो आप या तो थ्रेड से, कॉटन की जो थ्रेड आते हैं उनसे बनाइए, या मैक्रम थ्रेड आता है उससे बनाइए। ये स्ट्रेची होती है यार्न, तो जब हम बनाते हैं ये तो पर्स में कुछ सामान डालेंगे तो वो और स्ट्रेच हो जाएगा और वो जो शेप आना चाहिए वो ठीक से आएगा नहीं। ठीक है, तो आप थ्रेड से ही बनाइए। और अगर आपको मुझसे कोई क्वेरी हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं उन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं तो छोटा ही बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से, आपको जितना लंबा चाहिए आप उतना बना सकते हैं, जितना बड़ा आप चाहिए उस हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लिप नॉट बनाएंगे। मैं बना रही हूँ, मैं छोटा ही साइज़ बना रही हूँ, मैं 30 chains बना रही हूँ। चैन ये देखिए इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये देखिए मैंने 30 chains बना ली हैं। अब देखिए क्या करेंगे, जितना आपको लंबा, आपकी लंबाई, हम इसमें 3 row बनाएंगे, जो हमारी ये पर्स की जितनी लंबाई है उस वो इस हिसाब से ही बढ़ेगी। 3 row हम डबल क्रोशे की बनाएंगे। तो आपको जितनी लंबाई रखनी है उस हिसाब से चैंस आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी, ज़्यादा लंबाई रखनी है तो ठीक है, क्योंकि हमारा उसी हिसाब से इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो अब देखिए, हमने 30 chains बना ली हैं, 3 chain और बनाएंगे, 1, 2, 3। और देखिए यहाँ से 1, 2, 3 stitch छोड़ेंगे और जो 4th वाला है उसमें 1 double crochet बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो रो है हमें यहाँ तक लास्ट वाले स्टिच तक, हर एक स्टिच में 1 1 double crochet बनाना है यहाँ तक। ठीक है, लास्ट वाले में स्टिच हम बढ़ाएंगे तो हम हर एक स्टिच में जो चैन है 1 double crochet बना लेंगे। तो मैं बना के लास्ट तक बना लेती हूँ, लास्ट वाले स्टिच पे फिर हम यहाँ स्टिच बढ़ाएंगे। तो देखिए, हमने ये यहाँ तक बना लिया। अब ये जो लास्ट वाला स्टिच है, ये लास्ट वाली जो चैन है, इसमें हम 6 double crochet बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब देखिए वापस से ये जो नेक्स्ट वाली चैन है, यहाँ से हर एक स्टिच में 1 1 double crochet ही बनाना है। ये जो धागा है इसको हम साथ में लेके चलेंगे, ये साथ में ही यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके जहाँ धागे बसते हैं तो आप उनको स्टिच सुई में डाल के स्टिचेस में डाल दीजिए और एक्स्ट्रा जो हो उनको अच्छे से गार्ड बांध के निकाल काट दीजिए, तो यहाँ पे इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाएं तो यहाँ से लेके हम हर एक स्टिच में 1 1 double crochet बनाते हुए लास्ट वाले स्टिच पर आ जाते हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। और देखिए, ये जो लास्ट वाला स्टिच है, ये देखिए ये वाला चैन 3 से जस्ट पहले वाला, तो इसमें भी हम 6 double crochet बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 6 हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किए हैं, तो 6 ही हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किए हैं। अब ये देखिए, जो चैन 3 बनाई थी इसकी लास्ट वाली चैन में हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे हम चैन 2 बनाएंगे, 1, 2। तो ये जो चैन 2 है इसको हम स्टिच काउंट नहीं कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट, देखिए यहीं पे एक 1 double crochet बनाएंगे, जस्ट फर्स्ट वाले स्पेस में जहाँ पे हमने अटैच किया था चैन 3 थी, यहाँ पे अटैच किया था इसको, वहाँ पे ये 1 double crochet फर्स्ट, हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे। और यहाँ पे हमने जहाँ पे स्टिच 2, यहाँ 6 स्टिच जो हमने बढ़ाए थे,
यहाँ तक हम हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं हर एक स्टिच में बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बना लिए हैं। अब ये देखिए हमारी ये 6 स्टिच है, ये 1, ये देखिए 1, यहाँ तक हमने स्टिच बना लिए हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम इन 6 स्टिच पे हर एक वन इस पे 2 स्टिच बनाएंगे। 1 स्टिच ये फर्स्ट 1 बनाएंगे, 2। तो ये जो 6 स्टिच हैं हमारे, इनके ऊपर टोटल 12 डबल क्रोशिया आएंगे। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, और ये 2। ठीक है, तो देखिए हमारे ये टोटल 12 हो गए। यहाँ से काउंट करेंगे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाएंगे, और जहाँ से हमने लास्ट पे यहाँ पे स्टिच बढ़ाए थे वहाँ पे फिर हमें वापस स्टिच बढ़ाने हैं। जितने हमने यहाँ बढ़ाए उतने यहाँ बढ़ाने हैं। तो यहाँ से मैं हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाते हुए इधर आ जाऊँगी। तो ये देखिए हमने यहाँ तक स्टिच बना लिए हैं, और यहाँ से हमारे ये 6 स्टिच हो स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ हमने इंक्रीज किए थे। हर एक स्टिच पे 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। तो ये देखिए टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिए ये जो 2 चैन और ये 1 डबल क्रोशिया बनाया था हमने, यहाँ पे इसको हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। चैन 2, ये देखिए 2 चैन है और ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पे जस्ट यहाँ स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर से देखिए ये थर्ड वाली रो है, 2 चैन्स बनाएंगे, 1, 2, और जस्ट यहीं से एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट वाले स्पेस में ही। तो ये चैन 2 हमारा स्टिच नहीं है। फिर हर एक स्टिच बनाते हुए, ये देखिए हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाते हुए, जहाँ पे हमने ये हर एक, ये देखिए 2 स्टिच बनाए थे, यही यहाँ तक स्टिच बनाएंगे। यहाँ से हर एक स्टिच पे 2-2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो पहले मैं यहाँ तक बना के आ जाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हम ये यहाँ तक स्टिच हमने बना लिए। एक स्टिच हम यहाँ और बनाएंगे, हमें जो इंक्रीज स्टार्ट करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पे 2 का सेट बनाया हमने। देखिए ये वाला जो 2 में एक साथ बनाया, तो इस स्टिच पे भी एक 1 डबल क्रोशिया बनेगा। अब ये देखिए यहाँ पे हमने एक साथ एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाया था, तो ये जो फर्स्ट स्टिच है इस पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। अब इसके बाद देखिए ये जो बीच में स्टिच है ये वाला, इस पे एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो 2 के सेट है, 2 एक साथ बनाए हैं, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर देखिए इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें 1, 2। फिर देखिए यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो सेट है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। फिर देखिए यहाँ पे 1 1 डबल क्रोशिया बनेगा। फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, देखिए 2 का सेट है, 1, 2। फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनेगा।
फिर देखिए ये लास्ट वाला दो का सेट है तो इसमें टू डबल क्रोशिए बनेंगे, वन टू। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से हमने स्टार्ट किया, जहाँ से हमारे दो डबल क्रोशिए हमने एक साथ बनाए थे उसी सेट में हमने दो डबल क्रोशिए एक साथ बनाए हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट सेट था दो डबल क्रोशिए के साथ, तो इसमें ही हमने दो डबल क्रोशिए के साथ बनाया, फिर वन बनाया, फिर टू बनाया, फिर वन बनाया, फिर टू बनाया, फिर वन, फिर टू, फिर वन, फिर टू, फिर वन, फिर टू। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे सेट ख़त्म हो गए दो डबल क्रोशिए के। अब यहाँ से हम हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे इस तरीके से, और फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे हमें वापस इंक्रीज़ करना है इस कोने पे। ठीक है, तो यहाँ से हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिए बनाते हुए मैं इस तरफ आ जाती हूँ। तो देखिए हम ये दूसरी तरफ आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए ये हमारा ये दो का सेट अब यहाँ से शुरू होगा। ये देखिए ये दो का सेट शुरू हो रहा है, तो यहीं से हमें इंक्रीजिंग स्टार्ट करनी है। तो ये जो फर्स्ट वाला दो का सेट है इसमें टू डबल क्रोशिए बनाएंगे, वन टू, फिर नेक्स्ट वाले में वन डबल क्रोशिया बनेगा, वन, फिर इसके आगे वाले में दो डबल क्रोशिए बनेंगे, वन टू, फिर देखिए वन डबल क्रोशिया बनेगा, फिर टू डबल क्रोशिए बनेंगे, वन टू, फिर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर टू डबल क्रोशिए बनाएंगे, फिर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, फिर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पे देखिए फिर लास्ट में टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आपने कोई भी चेन्स कितनी भी ली हो, आपका जो स्टार्टिंग का और जो लास्ट का जो पैटर्न है वो सेम इसी तरीके से बनेगा। आपने कोई भी नंबर लिया हो स्टार्टिंग में चेन का, बस आपको यहाँ पे इसी तरीके से बनेगा। सिक्स सिक्स स्टिच फर्स्ट वाले में बढ़ेंगे और सिक्स ही देखिए हम सेकंड वाले में बढ़ा रहे हैं। आप काउंट करेंगे तो सिक्स स्टिच ही बढ़े हैं इसमें। तो ये सिक्स, फिर इसमें सिक्स बढ़े, फिर इसमें सिक्स बढ़े, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने कोई भी चैन नंबर लिया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको स्टार्ट में और लास्ट में इस तरीके से ही बनाना है। अब देखिए हम वापस से यहाँ जो चैन टू के ऊपर ये वाला स्टिच है यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम चैन टू बनाएंगे, वन टू, और देखिए यहाँ से हर एक स्टिच में, ये देखिए यहाँ से हर एक स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। अब हमें कोई स्टिच बढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस हर एक स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और बनाते हुए वापस इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, हर एक स्टिच में यहाँ पे अब ये हमारा वापस ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, ये हमारा जो पर्स है उसका नीचे का तला है सॉरी। ठीक है, अब हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरफ आ जाएंगे। तो ये देखिए ये फोर्थ वाली रो है हाफ डबल क्रोशिया की हमने बनाई थी, यहाँ लास्ट तक हर एक स्टिच में हाफ हाफ डबल क्रोशिए बना लिए हैं। और देखिए ये जो चैन टू बनाई थी इसके जस्ट यहाँ पे, इससे जस्ट आगे वाला जो स्टिच है उस पर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ इसमें पैटर्न डालेंगे। अब हम स्टिच इसमें बढ़ाएंगे नहीं, जब स्टिच नहीं बढ़ाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, तो चैन टू बनाएंगे, वन टू, और देखिए ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें ही इस तरीके से हम क्लस्टर बनाएंगे। ये थ्री स्टिच हो गए, दो में से निकालेंगे, फिर वापस से धागा लपेटेंगे और फिर इसी स्पेस में हम इसको डालेंगे क्रोशे को। फिर देखिए ये दो में से निकालेंगे, अब हमारे पास टोटल थ्री स्टिच हो गए, इनमें से इस तरीके से निकाल देंगे। चैन टू बनाएंगे, वन टू, अब देखिए एक क्लस्टर इसी पर इसमें बनाएंगे, देखिए इसी स्टिच में थ्री स्टिच हो गए, दो में से निकालेंगे, वापस से धागा लपेटेंगे, फिर क्रोशिया को इस तरीके से निकालेंगे, फोर स्टिच हो गए, दो में से निकालेंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर इस स्टिच पर डालेंगे। देखिए हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव स्टिच हो गए, दो में से निकालेंगे, अब टोटल हो गए फोर स्टिच,
अब एक साथ हम फोर स्टिच में से निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से हम थ्री स्टिच छोड़ेंगे, 1 2 3, और ये जो फोर्थ वाला है, तो ये जो फोर्थ वाला है इसमें हम वापस यही क्लस्टर बनाएंगे। हर फोर्थ वाले स्टिच में हमें बनाना है 1 2 3 4। एक बार और बता दूंगी आपको, देखिए किस तरीके से बनेगा। ये हमने इस तरीके से स्टिच निकाला, थ्री स्टिच हो गए, दो में से निकाल देंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर इसी स्पेस में डालेंगे और इस तरीके से निकालेंगे। फोर स्टिच हो गए, दो में से एक साथ निकाल देंगे, थ्री स्टिच बचे हैं हमारे पास, फिर वापस से धागा लपेटेंगे, फिर इसी स्टिच में से इस तरीके से क्रोशिया को निकालेंगे। फाइव स्टिच हो गए, दो में से निकालेंगे और बाकी के जितने बचे हैं उनमें से हम निकाल देंगे फोर स्टिच में से, ठीक है। टू चेन बनाएंगे, 1 2, एक क्लस्टर वापस इसमें फिर से बनाएंगे, 1 2 3, और इस तरीके से इसमें से निकाल देंगे। तो हर फोर्थ वाले स्टिच में हम ये दो क्लस्टर का सेट बनाएंगे। मैं ये पैटर्न बना रही हूँ, आप कोई और पैटर्न भी बना सकते हैं, तो मैं इसको लास्ट तक बना के वापस यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है। तो हर फोर्थ वाले स्टिच में स्टिच का ये पैटर्न बनाना है और कहीं स्टिच बढ़ाने और घटाने नहीं हैं। तो ये देखिए मैं बना के ये इस तरफ आ गई हूँ। अब क्या हमारे स्टिच, देखिए 1 2 3 4 स्टिच बच रहे हैं, तो हम देखिए क्या करेंगे, ये 3 बचने चाहिए क्योंकि हमारा ये पैटर्न पूरा हो गया, 3 बचने चाहिए जिससे हम यहाँ स्लिप स्टिच पे अटैच कर सकें, लेकिन हमारे यहाँ पे 4 बच रहे हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक स्टिच को आप ऐसे ही, आपके एक या दो स्टिच बच रहे हैं तो आप कहीं भी एडजस्ट कर देंगे, 3 की जगह आप 4 स्किप कर दीजिए। तो जैसे यहाँ फ्रंट में और इस तरफ करेंगे तो आपका नहीं दिखेगा, अगर आप साइड में एक तरफ आपने एडजस्ट कर दिया, थोड़े स्टिच ज़्यादा या कम कर दिए, तो आपका दोनों तरफ से जो शेप है वो सेम नहीं आएगा। तो आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे ये इस तरफ और इस तरफ एडजस्ट कीजिएगा स्टिचेस को, ठीक है। यहाँ पे मेरे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ देखिए हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, एक हमने जो पैटर्न है वो इसमें बनाई है और एक पैटर्न हम सेकेंड वाले स्टिच में बना देंगे। 1 2 3, तो ये हमारे जो स्टिच हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। अब देखिए हम यहाँ से 1 2 3 छोड़ेंगे और ये देखिए ये वाला जो चैन 2 हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, ठीक है। तो आप भी स्टिच कहीं भी एडजस्ट कर दीजिए थोड़ा उसका, क्योंकि परफेक्ट स्टिच आए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब ये जो सेकंड रो मैं बता रही हूँ आपको, यही रो हम थोड़ा आगे तक बनाएंगे, फिर लास्ट में सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे। तो यही रो जो स्टार्ट इस तरीके से करेंगे और जो हमने ख़त्म किए यहाँ पे चैन 2 पे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या करेंगे, ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें आ जाएंगे स्लिप स्टिच से, ये देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच यहाँ पे हमने अटैच किया है, यहाँ चैन 2 की स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। चैन 2 बनाएंगे, 1 2, तो जो आगे वाली रो होंगी वो भी इसी तरीके से स्टार्ट करनी होंगी आपको, 2 चैन बनाएंगे। अब ये देखिए ये जो जंप ये पैटर्न बनाई थी हमने, ये 2 चैन के गैप में ही बनानी हमें, हर 2 चैन का जो गैप है उसमें। तो ये 1 2 चैन बनाई, 1 2, स्टार्टिंग में हम सिर्फ 2 ही स्टिच लेंगे क्योंकि ये जो 2 चैन है वो भी हमारा एक स्टिच हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 बार लेते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा ये जो पैटर्न है। 2 चैन बनाएंगे, 1 2, और एक पैटर्न और बनाएंगे इसमें ही, 2 3, और यहाँ पे इसको एक कर देंगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वाला जो 2 चैन का स्पेस है इसमें भी इसी तरीके से 1 2 3, 2 चैन बनाएंगे, 1 2, और एक पैटर्न और बनाएंगे, 1 2 3, इसी तरीके से हर 2 चैन के स्पेस में हमें बनाना है। वापस आएंगे तो यहाँ पे स्लिप स्टिच अटैच करेंगे, फिर एक स्लिप स्टिच यहाँ बनाएंगे 2 चैन के, और फिर यही पैटर्न वापस से शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से हमें राउंड राउंड बनाते जाना है, जितनी हमें इसकी लंबाई चाहिए उससे थोड़ा सा कम बनाएंगे, ठीक है। इसकी जो ऊपर तक आपको लंबाई चाहिए, तो मैं बना लेती हूँ।
तो ये देखिए, ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। मैंने इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 रो बनाई हैं। तो मैं आपको इसकी चौड़ाई और लंबाई बता देती हूँ, फिर थोड़ा सा और हम बढ़ाएंगे। तो अगर आप सेम यही साइज़ बनाना चाहते हैं तो आप सेम यही क्रोशिया और यार्न लेंगे तो सेम इतना ही बन जाएगा करीब करीब। तो ये देखिए 8 इंचेस तो इसकी ये चौड़ाई है और 6 इंचेस अभी इसकी हो रही है। थोड़ा सा अभी अब हम और बनाएंगे तो 6.5 इंचेस या 7 इंचेस इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, जितना आपने बनाना है उतना बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चैन वन बनाएंगे। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच अटैच कर दिया इसको। चैन वन बनाएंगे और देखिए यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। आप एक तीन या फोर रो हम सिंगल स्टिच की बनाएंगे। ये जो 2 चैन का स्पेस है इसमें हम 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1, 2 एक स्टिच हम यहाँ बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक सिंगल स्टिच यहाँ बनाएंगे, फिर 2 हम ये चैन 2 के स्पेस में बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाते हुए मैं वापस यहाँ पे आ जाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम वापस आ गए हैं। अब ये जो चैन 1 और 1 सिंगल स्टिच हमने बनाया था इनके बीच में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। स्टार्टिंग में हमने चैन 1 बनाया था और जस्ट उसी स्पेस में सिंगल स्टिच बनाया था, उसको स्लिप स्टिच से ये देखिए अटैच कर दिया। अब चैन 1 बनाएंगे और देखिए यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और जब वापस आएंगे तो इसी स्पेस में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। तो आपको जितना ऊंचा इसको करना है, ये हम इस बस सिंगल स्टिच की रो बनेंगी, बाद में हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो जितने आपको ऊंचा रखना है, जितनी सिंगल स्टिच की रो बनानी है, आप उतने अपने हिसाब से बना लीजिए। तो मैं थोड़ी बना लेती हूँ, फिर हम आगे देखते हैं कितनी मैंने बनाई है, ये भी आपको बता दूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 6 रो सिंगल स्टिच की बनाई हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप फर्स्ट रो बनाएं तो हल्के हाथ से बनाइएगा। अगर आपने ज़्यादा खींच के बना दिया तो ये जो शेप इसका स्ट्रेट आ रहा है वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद भी आपको हल्के हाथ से ही रो बनानी है। जैसे ही आपने फर्स्ट बनाएंगे वैसे ही हल्के हाथ से आगे की रो भी बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट में हम क्या करेंगे, ये लास्ट में ये जो 6 वाली रो है इसके लास्ट में ये देखिए चैन 1 और 1 डबल सिंगल स्टिच बनाया था, इसके बीच में से हम इस तरीके से इसको निकालेंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर इसको इसमें से निकाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा पर्स तैयार हो गया। अब देखिए हम इसकी डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाना भी बहुत इजी है, तो हम बराबर की 2 डोरियां बना लेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आप कॉटन का थ्रेड लेंगे तो बहुत अच्छा सा शेप भी आएगा इसका। और ये थ्रेड जो ये देखिए जब हम बनाते हैं इस डोरी को तो ये बनाने के बाद स्ट्रैच होती है। अगर आप कॉटन का थ्रेड लेंगे तो ये स्ट्रैच नहीं होगी, जैसा आप बनाएंगे वैसा ही रहेगी। तो देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। इसी तरीके से 2 डोरियां बना लेंगे। ये हमने स्लिप नॉट बनाई, 2 चैन बनाएंगे, 1, 2। अब देखिए ये जो फर्स्ट वाली चैन है इसमें से हम देखिए एक सिंगल ये चैन में से डालेंगे और सिंगल स्टिच बना देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से ये पलटेंगे और ये जो हमें स्टिच दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें से जब आप बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा। इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से हम इस धागे को निकालेंगे और ये स्टिच बना देंगे। ठीक है, फिर हम देखिए इस तरीके से इसको वापस इस तरीके से पलट लेंगे। अब यहाँ पे हमें 2 स्टिच दिखाई देंगे। फर्स्ट में हमें एक ही दिख रहा था, यहाँ पे देखिए 2 स्टिच दिखाई देंगे। तो ये जो दोनों स्टिच हैं इनमें से हम एक साथ निकाल देंगे इसको इस तरीके से। और यहाँ से ये धागा लेंगे, इसमें से इस तरीके से निकालेंगे और फिर इसको ये बना दिया। फिर देखिए हम वापस इस तरफ पलटेंगे, फिर हमें यहाँ पे 2 स्टिच दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 2 हैं इनमें से एक साथ निकालेंगे ये दोनों में से एक साथ निकाले,
ये देखिए, फिर ये हमने धागा इस तरीके से निकाला और फिर दोनों से निकाल देंगे, ठीक है। फिर वापस इसको इस तरीके से पलटेंगे, इस तरफ करेंगे, फिर यहाँ पे हमें दो स्टिच दिखाई देंगे, इनमें से एक, ये देखिए इस तरीके से इनमें से निकालेंगे और फिर इसको स्टिच पलटेंगे, फिर वापस पलटेंगे। ऐसे काफ़ी मजबूत सी डोरी बन जाएगी और ये ज़्यादा स्ट्रेची भी नहीं होगी। ये देखिए इस तरीके से फिर दो निकाल, फिर इस तरीके से पलटेंगे, फिर ये जो दो स्टिच दिखाई देंगे। तो इसी तरीके से आपको जितनी लंबी डोरी चाहिए दो डोरियां बना लेंगे। तो मैं बना लूँगी, फिर इसके बाद हम इसमें सिलेंगे, ठीक है। तो बना लूँगी पहले, फिर इसको सिलेंगे। इसमें यहाँ पे किस तरीके से सिलना है ये भी बताऊँगी। तो देखिए मैंने ये डोरी बना ली है और देखिए डोरी कितनी अच्छी बनी है। ये ऊन की है, थोड़ी स्ट्रेची है, अगर आप कॉटन यहाँ से बनाएंगे तो स्ट्रेच भी नहीं होगी। देखिए ये, और इसका शेप देखिए कितना अच्छा आया है। अब देखिए हमें क्या करना है, बराबर नाप की मैंने दो डोरियाँ बनाई हैं। अब यहाँ से हम जितना हमें दूरी पे चाहिए इस तरीके से अंदर की तरफ इसको सिल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से दोनों तरफ अंदर की तरफ सिल लेंगे, दूरी का ध्यान रखेंगे, बराबर दूरी पे सिलनी है। और ये जो स्टिच है वो सिर्फ अंदर की तरफ दिखने चाहिए, बाहर की तरफ नहीं दिखेंगे, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगी, बाहर की तरफ अच्छी नहीं। तो हमें अंदर वाले जो स्टिच है उनसे ही उनको स्टिच करना है। आप चाहें तो इसका शेप बड़ा, आप काफ़ी बड़ा पर्स भी बना सकते हैं इससे। और आप जहाँ पर्स में बाज़ार में बाइंडिंग होती है, जहाँ पे इसके कवर अंदर अस्तर लगते हैं, वहाँ पे जाके इसमें अस्तर लगवा के भी आप इसको अपना काम के लिए बना सकते हैं। और ये शेप इसका बहुत ही सुंदर आया है। अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। तरीके से अंदर की तरफ बहुत अच्छे से सिल लेना है, देखिए इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा धागे होंगे उनको स्टिचेस में हम डाल देंगे और उनको काट देंगे, एक्स्ट्रा जो बचेंगे उनको। तो मैं ये सिल लेती हूँ पूरा, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है फोटो बनाकर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें यहाँ पे, ये देखिए इसकी ये डोरी है वो जोड़ दी हैं, बराबर दूरी पे जोड़िएगा, बराबर सेम पे आनी चाहिए। और ये देखिए मैंने एक फ्लावर लगा दिया है, आप चाहे तो टैसल लगा सकते हैं, यहाँ पे दो तीन टैसल एक साथ जोड़ के उनको लगा सकते हैं इसको सजाने के लिए। और आप इसकी लंबाई अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, चौड़ाई भी। तो देखिए ये बन के कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।